ये खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के लिए बीजेपी आम जनता से सुझाव मांगने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। सुझाव पेटियों के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले महत्वपूर्ण लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद 2047 विकसित भारत को देखते हुए बीजेपी का घोषणा पत्र बनाया जाएगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बार एक नया ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सबसे प्रथम नंबर पर खड़ा करने का संकल्प लिए हुए हैं और हम राजनीतिक दल के लोग हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव लगभग प्रक्रिया में आ गया है। हर राजनीतिक दल अपना एक घोषणा पत्र बनाता है और हमारा घोषणा पत्र, क्योंकि हर चुनाव में बनाते हैं, इस बार का चुनाव पत्र का जो घोषणा पत्र चुनाव का हमारा बन रहा है, वो घोषणा पत्र 2047 में हम विकसित भारत की प्रथम पंक्ति पर कैसे हिंदुस्तान को लाएंगे, उसकी भी एक गाइडलाइन की तरह से काम करेगा। ये केवल 5 वर्ष की नहीं, ये 47 तक का सारा जो काम जो करना है, जो योजनाएं बनानी है, जो कार्यक्रम संचालित करने हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए बहुत अच्छा हमारा घोषणा पत्र बने। इस घोषणा पत्र को 1 करोड़ से भी अधिक लोगों के माध्यम से सुझाव एकत्रित करने का हमने संकल्प लिया है। विभिन्न माध्यमों से हम सुझाव एकत्रित करेंगे। 6000 से अधिक हमारी जो वैन है, वैनें आएंगी और जिला मुख्यालय पर और छोटे केंद्र पर विधानसभा स्तर तक जाकर सुझाव पेटिकाओं के माध्यम से भी सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकले थी, उस माध्यम से भी हमने बहुत सारे सुझाव एकत्रित करवाए। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी लोगों से भी सुझाव एकत्रित करके एक बहुत अच्छा घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का तैयार होकर इस लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले आप सबके माध्यम से जनता तक पहुँचेगा, ये हमारा प्रयास है।